गोंदिया शहरातील बेघर होण्याची वेळ आलेल्या 50 कुटुंबियांचा एसडीओला घेराव घालण्याचा प्रयत्न। पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या कुटुंबियांना मुख्य प्रवेशद्वारावरच रोखले। गोंदिया शहराच्या मुख्य मार्गावरील रेल्वेच्या पुलाखालील जवळपास 50 कुटुंब गेल्या 40 ते 50 वर्षापासून राहत असलेल्या कुटुंबियांना एसडीओने नोटीस पाठवून 7 दिवसात जागा खाली करण्याचे नोटीस बजावल्याने आक्रमक झालेल्या 50 कुटुंबियांनी आज एसडीओंना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला। मात्र पोलिसांनी त्यांना एसडीओच्या प्रवेशद्वारावरच रोखल्याने एसडीओला घेराव घालण्याचा त्यांना प्रयत्न फसला। तर दरम्यान त्यांनी आम्हाला घर द्या अन्यथा सरकारी कार्यालयांना घर बनवण्याची भूमिका घेतली। यावर आता काय निर्णय होतो हे पाहावे लागेल। मात्र या कुटुंबांना निवाऱ्याची सोय होणार का की हे सर्व कुटुंब उघड्यावर येणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे। हमारा जो आंदोलन है जो गोंदिया में नया पुल बन रहा है, जो पुराना 100 वर्षों पुराना जो पुल था उसको पुनर्निर्माण करने का शासन ने निर्णय लिया है। उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में पुल बने, नया पुल बने और डेवलपमेंट हो। लेकिन पुल बनाने की कीमत किसी को बेघर करना यह किसी संविधान में और कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम इतना ही चाहते हैं आपसे कि वहाँ जो 40 से 50 परिवार रह रहे हैं उन्हें सरकारी जगह पे कहीं पे भी जो ऐसे जगह पे हो जहाँ से उनको जाने आने की व्यवस्था रहे। और गोंदिया में गोंदिया नगर परिषद अंतर्गत आने वाली ऐसी बहुत सी जगह है जो रिजर्वेशन में है, जैसे महाड़ा रिजर्वेशन है या फिर काबिल काश्तकारी रिजर्वेशन है या सीलिंग की जगह है। इनमें से कहीं पे भी आप इन्हें वहाँ रहने के लिए आवास के लिए जगह दें। एक परिवार कितनी जगह मांग रहा है? 300 से 400 फुट जगह आप उनको दीजिए वो, और उस पर से वो अपना खुद मकान बनाएंगे। भविष्य में अगर शासन ने चाहा उन्हें तो उन्हें वहाँ पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दीजिए। जब यह देश के नागरिक है, यहाँ के वोटर है, तो इनका ये अधिकार बनता है। इनका में अगर सरकार ने अगर हमारी इन मांगों को हमने एक अल्टीमेटम दिया 5 दिन के अंदर आप इसका निर्णय लीजिए। अगर इन्होंने उस पर निर्णय लेकर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं ली गया तो जितने सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे हमारा इन पूरे परिवार को ले जाके वहाँ पे हम कर नहीं रहे। हमारे को आंदोलन करने में मजबूर किया जा रहा है। हम और ब्रिज के नीचे रहते हैं गड्ढा टोली गोंदिया में। ये ब्रिज का न्यू निर्माण हो रहा है और ये निर्माण होने के कारण यहाँ पर जो हमारी माता बहनें और हमारे यहाँ 30-35 मकान है, ये 30-35 मकानों को सरकार ने नोटिस दी है और नोटिस दे के हमको ये बोल दी है कि ये आपको 7 दिनों में खाली करना पड़ेगा। और खाली तो हम कर देंगे, हमारे को खाली करने में कोई तकलीफ नहीं है और गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उससे हमारे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हम ये खाली करके जाएंगे कहाँ? या छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, या माता बहनें काम में जाती है, कोई बर्तन मांजने जाता है, कोई रिक्शा चलाने जाता है, कोई कचरा चुनने जाता है। इस स्थिति में ये लोग महीने के 3000 से 5000 रुपये कमा लेते हैं। अब ये 5000 रुपये लोग जो कमाएंगे इसमें अपना घर चलाएंगे कि किराया देंगे? अगर किराए के मकान में रहते मिलेंगे तो क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? कहीं पर भी रहेंगे। जैसे बहुत सारी जगह रहने के लिए, जैसे सामने हमारा PWD ऑफिस हो गया, जैसा कोर्ट हो गया, जैसा उधर कलेक्टर ऑफिस हो गया, कहीं ना कहीं तो डेरा अपना डालेंगे ही हम। संकेत श्रृंगार पवार, SBN मराठी, गोंदिया।